गुड मॉर्निंग ऑल, आई एम प्रवीण और आज हम बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो आपको बहुत अच्छे से इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में मैं एक्चुअल हमारी जो प्रीवियस क्लास थी उसके अंदर डिस्कस कर चुका हूँ, और यहाँ पर जो आपका न्यू NCERT का सिलेबस है उसी के बेस्ड पर आपका न्यूज़ आपकी बुक है, तो उसी के क्वेश्चन आपको देखने हैं। लास्ट जो हम कर रहे थे कहीं कुछ चेंजेस आता है, बट इतना भी चेंज नहीं होता कि बेसिक जो आइडियाज़ है या स्टैंडर्ड है वो चेंज होता है, ऐसा नहीं होता। कुछ सम्स है उनकी वैल्यूज़ होती है वो चेंज होती है। ओके, तो आप देखिए एक बार 5.1 मैंने आपको कराई थी उसको आप करने की कोशिश कीजिएगा, और नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज है 5.2 और उसका क्वेश्चन फर्स्ट आपको दिख रहा होगा। अगर नहीं है बुक तो यहाँ पर डिस्प्ले में शो हो रहा होगा कि आपको क्या करना है, इस टेबल को फिल करना है, तो आपको बेसिक आइडियाज़ इसके पता है। ओके, अच्छे से देख लीजिए इसको एक बार प्रॉपर तरीके में, हो गया है देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखो एक बार बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको गिवन है, 30th term ऑफ एन AP, आपको एक AP दे रखा है और उसका 30th term आपको फाइंड करना है। तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड आपको बता रखा है मैंने कि फॉर्मूला होता है a+n-1 मल्टीप्लीकेशन ऑफ d। ओके, तो ये एक स्टैंडर्ड फिक्स है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं a, 30th term कितना है, a का वैल्यू कितना है 10। ओके, n आपको फाइंड करना है, तो n और d आपका कितना है 7-10, 7-10 कितना आ गया -3, क्लियर। और d अगर आपको बताना तो d क्या हो जाएगा आपका, सॉरी ये आपका d हो गया, और n आपको बताना है, तो n आपको पूछा है उन्होंने क्या बोला है कि सर 30, n का वैल्यू कितना रखना है 30, कुछ नहीं करना, इतना देखने के बाद सारी वैल्यू आपके पास है, आपको सिंपल सा उठाकर इस फॉर्मूले के अंदर सब वैल्यू पुट करना है। देखिए कैसे, a n इज योर 30। ओके, a कितना था आपका 10, प्लस n कितना था 30, -1 मल्टीप्लीकेशन ऑफ d इज योर कितना है -3, क्लियर। देखना 10 प्लस 30 -1 29 मल्टीप्लीकेशन ऑफ -3, इसको आप एक ब्रैकेट में रख लीजिए, देन 10 प्लस जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा माइनस ऑफ, ये माइनस आके अगेन बन जाएगा 10 माइनस 87, 87 में से 10 जाएगा तो आपका बचेगा -77, क्लियर। आया समझ में या नहीं, ए डी और एन का वैल्यू रखा मैंने, तो ये कैसे हुआ उसको भी देखिए कि सर एपी था डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा था, राइट, 10, 7, 4, तो आगे फिर और जाएगा 3 और माइनस हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर वो टर्म पूरी चली जाएगी नेगेटिव में, और नेगेटिव में बैक जाते 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 आपकी 30th पोजीशन पर पहुंचेगी, तो वो कितनी हो जाएगी -77। एक बार फिर देख लो इसको, ए दिया था, डी दिया था और एन दिया था, सीधा सिंपल पुट करा, ए 10 प्लस एन माइनस 1 30 माइनस 1 29 मल्टीप्लीकेशन ऑफ डी क्या था सेकेंड, छोटे टर्म में से बड़े टर्म को माइनस कर रहे थे उसलिए आपका जो साइन था वो नेगेटिव आएगा, राइट, -3 जब यहाँ रखा तो 29 को 3 से करा तो 9 3 27 का 7 कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 8 हो गया, ये माइनस आकर यहाँ मल्टीप्लाई हुआ देन माइनस बन गया 87 -10 -77 विल बी योर आंसर। अगर किसी को अब नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से इसको स्क्रीनशॉट लेकर समझने की थोड़ी सी कोशिश करनी है आपको। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा क्वेश्चन 2 का सेकेंड पार्ट है वो आप खुद से कर लीजिएगा। क्वेश्चन 3 पूछा है फाइंड द मिसिंग टर्म, एक एपी आपको गिवन है या एपी है या नहीं है वो आप जस्टिफाई बाद में करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसमें मिसिंग टर्म आपको बताना है। तो ये एक एपी दे रखा है तो फर्स्ट आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर एपी का स्टैंडर्ड होता है a+d a+2d and a+3d, क्लियर। कुछ नहीं करना, इक्वेशन बनाना है एक का वैल्यू, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड अगर आप पढ़ेंगे वैसे आगे तो वही यहाँ पर फॉलो करना होता है। कैसे, देखिए सर ए तो मुझे गिवन है, ए को मैं क्या मान लेता हूँ 5, चलो अभी थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाऊँ, ये वाली जो टर्म है यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो मुझे क्या दिखता है कि सर a+3d जो है ना, a+3d है वो किसके इक्वल है 9.5 के इक्वल है, बिल्कुल है सर, वही पोजिशन ही तो होता है, a+3d का वैल्यू दिया है मुझे तो कोई दिक्कत नहीं। सर इससे एक इक्वेशन बनाते हैं हम, क्या बनता है a+3d = 9 2 18 1 19 / 2, राइट। तो मुझे क्या करना है, अब एक चीज़ देखना, ये a आपको दे रखा था, a कितना है, a आपका है 5, पुट a = 5 इन इक्वेशन 1, यहाँ पर आप क्या करो
एक ही जगह आप 5 पुट कर दो। कैसे? एक ही जगह अगर मैं 5 रख देता हूँ तो क्या बनता है देखना, 5 + 3d = 19/2, राइट। तो 3d = क्या हो जाएगा, 19/2 - 5, ओके। ये कांस्टेंट वहाँ चला गया, देन ये बन गया 1, तो 3d = कितना हो जाएगा, एलसीएम आ गया 2, 19 - 10, तो मेरा क्या बना, 3d = हो गया आपका 9/, ये 3 भी यहाँ आ जाएगा 6, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, ये 3 भी यहाँ से हट गया, ठीक है। तो आपका d कितना आया, 3/2, राइट। तो आपका d आ गया 3/2, क्लियर है। 9/6 हुआ तो 3/2। अब आपको पता है कि सर फर्स्ट मेरा a होता है तो सेकेंड टर्म क्या होता है, a plus d, यही तो मेरा क्या होता है, a2 ही तो होता है। तो a plus d, a कितना था सर, a मेरा था a2 =, a था मेरा 5 + d आया 3/2, यहाँ पर रख दिया, एलसीएम लिया सर, इसको सॉल्व करा, 2 10 + 3 13/2, ये मेरा a2 आ जाएगा। सर a3 निकालना है, a3 इज योर क्या, a plus 2d, a इज योर 5 + 2 × d इज योर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 and 3 कितना हो गया 8, तो 3 कितना आ गया 8, तो सीरीज बन गया, a2 कितना आया आपका 13/2 और a3 कितना आया 8, देन आपका आ गया, क्लियर है गाइस। इसी मेथड को फॉलो करना है, इसको बहुत ध्यान से एक बार देख लीजिए, अच्छे से इसका एसएस स्क्रीनशॉट ले लो नहीं समझ में आ रहा तो, और फिर भी कुछ क्वेरीज है तो मैं बताऊंगा, और इसी मिसिंग टर्म वाले जो क्वेश्चंस है उनको आप अच्छे से करने की कोशिश करना, तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। इसी के साथ फिर आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताता हूँ। तो गाइज आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी की बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है, वो पूछा है कि फाइंड द nth टर्म ऑफ एन AP। अभी तक हम फाइंड कर रहे थे nth जो टर्म है वो कौन सा है, अब nth टर्म जो है वो गिवन है, मीन an आपको दे रखा है, समझ रहे मेरी बात जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, an आपको दे रखा है, और इससे पहले क्वेश्चन में an हम फाइंड कर रहे थे जब हमको n दे रखा था, राइट। तो an दे रखा है तो ये बताना है कि कौन सी पोजिशन पर होगा, कौन सी टर्म होगी, ये बतानी है, ओके। तो a कितना है यहाँ पर 7, सर d कितना है, d है 13 - 7 = 3, 3, 6, क्लियर। चेक करना चाहते हैं, 19 - 13 = 6, मतलब d क्लियर हो गया, AP है आपका, ओके। a d n, n आपको फाइंड करना, मिसिंग टर्म आपका n है, n क्या होगा, तो सेम वही सर फॉर्मूला है, a + n - 1 × d, an = क्या होता है, a + n - 1 × d, an कितना दे रखा है आपको 205 = a 7 प्लस n नहीं पता -1 × d = 6, ध्यान से देखना है इसको बहुत अच्छे से, 205 = 7 प्लस n - 1 6, जब n से मल्टीप्लाई हुआ तो 6n - 6 1 से हुआ तो 6, यहाँ पर ये दोनों कांस्टेंट है 7 और 6, माइनस कितना हो जाएगा 1, 205 = 6n + 1, राइट। अब ये जो 1 है ये उठकर यहाँ आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, देन 6n = 205 - 1, देन 6n = 204, देन n = 204 / 6 = 18 एन 34, तो nth टर्म विल बी 34, और वही n क्या होगा आपका 205, समझे। ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर फॉलो होता है, कुछ चीज़ें गिवन होती है, एक मिसिंग टर्म होती है उसको आपको फाइंड करना है, तो बाकी सब चीज़ें आपको दे रखा होगा। इसी को अगर मैं सॉल्व करना चाहता हूँ तो देखो, a मुझे फाइंड करना है तो कर सकता हूँ, जब n और d गिवन है, an फाइंड करना है, a और d सब दे रखा, तब an निकल जाएगा। तो यही सारे बेसिक्स है और ज़्यादा इतना टिपिकल है नहीं। तो आगे देखना, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, यही सारे कॉन्सेप्ट्स है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा, चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ AP, ये जो AP दे रखा है इसको अगर मैं आगे बढ़ाता हूँ तो -150 इसका टर्म बनेगा क्या। सिंपल सी बात है, अगर ये टर्म बनेगा तो n का वैल्यू एक फिक्स वैल्यू आना चाहिए, सपोज करो 4, 5, 6, 7, एक राउंड फिगर में नंबर आना चाहिए, कभी भी 3.5 ऐसा, 6.9, 8.7, 11.5 ऐसा कभी नहीं आना चाहिए, मतलब राउंड ऑफ में नंबर आना चाहिए। तो वही आपका क्या होता है, तो देखो यहाँ पर an दे रखा आपको कितना है -150, a दे रखा है कितना है 11, d दे रखा है कितना है 8 - 11 = कितना हो गया
9, 10, 11 माइनस ऑफ 3, राइट, सही है, सारी चीज़ें गिवन है। तो आपको वही फॉर्मूला यूज़ करना है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लीकेशन ऑफ डी। ए एन कितना दे रखा है सर, माइनस 150 इज इक्वल टू ए इज योर 11 प्लस एन कितना है नहीं पता आपको, माइनस 1 मल्टीप्लाई डी कितना है, माइनस ऑफ 3। देखना इसको ध्यान से, माइनस 150 इज इक्वल टू 11, ये 3 इससे हुआ तो कितना बना, माइनस ऑफ 3 एन प्लस 3, राइट, माइनस माइनस प्लस 11, ये 3 एन है, ओपन कर देता हूँ, बाहर आ जाएगा माइनस का 3 एन और ये भी प्लस का हो जाएगा 3, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 150। क्लियर, देखना ध्यान से, माइनस 150 इज इक्वल टू 11 और 3 14, 14 हो जाएगा, 11 3 14, तो 14 माइनस 3 एन। ओके, एन का वैल्यू फाइंड करना है, इस 3 एन को उठा के यहाँ ले जाओ, 150 को वहाँ ले आओ। ओके, तो 3 एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 प्लस 150, सही है, माइनस का 3 एन, ये जो था ये उठकर यहाँ आया, ये प्लस बन गया और ये वाली वैल्यू वहाँ जाके प्लस बन गई। ओके, तो 3 एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 164, एन इज हो जाएगा 164 डिवाइडेड बाय 3 बनेगा, एन का वैल्यू देखना ये बन जाएगा। देन 3 से कैंसिल करा, 3 5 जा 15, 1 3 4 जा 12, 54 पॉइंट समथिंग, मतलब एन का एक राउंड ऑफ नंबर नहीं आ रहा, तो ये एपी में नहीं होगा, नॉट इन एपी। क्लियर, तो गाइस यही सारे कॉन्सेप्ट्स थे जो मैं आपको बहुत अभी ये मैंने अपने इस लेक्चर में आपको डिस्क्राइब कर दिया है, इसके जो रिगार्डिंग सब है वो आप करेंगे, फिर भी कुछ नहीं समझ में आता तो मैं मुझे बता देना, मैं जब भी होगा नेक्स्ट क्लास या प्रीवियस क्लास उसके अंदर उसी के ऊपर लेक्चर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और जितने लोगों ने अभी तक की क्लास ज्वाइन कर रखा है उनको थैंक यू सो मच, और अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, न्यू अपडेट जो भी है वो आपको मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू गाइज़।